आज हम आपको बताएंगे हमारे कॉफी स्क्रब के बारे में। सबसे पहले हम इसे शुरू करते हैं वे वी सेंड द क्लाइंट फॉर 10 मिनट स्टीम इन आ स्टीम रूम। तो उससे क्या होता है, उसके पोर्स खुल जाते हैं, सो इट्स ईजियर टू एक्सफोलिएट द स्किन। देन नेक्स्ट हम फुट रिचुअल करते हैं, जहाँ हम उसके पैर, यू नो इट्स अ स्मॉल रिचुअल वे वी वॉश द फीट ऑफ द क्लाइंट। And then we make you lie down on the bed and we start with the therapy. Coffee scrub के लिए सबसे पहले stomach के बल लिटा दिया जाता है। We use all natural ingredients for our coffee scrub like coffee beans, yogurts, honey, olive oils, etc. which are all very good for nourishing your skin. इस स्क्रब की शुरुआत अपर बैक से की जाती है। कॉफी स्क्रब को अच्छे से हाथों पर लगाया जाता है। इस स्क्रब से स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। इट इज अ ग्रेट एक्सफोलिएटर, इट इज डी टैनिंग, it is high on antioxidants which help in fighting the free radicals in the skin and delay the process of aging. Also they decrease the damage caused by exposure to the sun. upper body ke baad is scrub ko dheere dheere legs par lagaya jata hai। सेम प्रोसेस दूसरे लेग पर रिपीट किया जाता है। अब फ्रंट बॉडी मसाज करने के लिए सीधा लिटाया जाता है। धीरे धीरे लेग्स पर स्क्रब अप्लाई किया जाता है। सेम प्रोसेस दूसरे लेग पर रिपीट किया जाता है। लेग्स के बाद अपर फ्रंट बॉडी पर स्क्रब अप्लाई किया जाता है। सर्कुलर मोशन में इस स्क्रब से मसाज की जाती है। हाथों पर इस स्क्रब को अप्लाई किया जाता है।
एक हाथ पर स्क्रब अप्लाई करने के बाद और मसाज के बाद सेम प्रोसेस दूसरे हाथ पर रिपीट होता है। नेक और फेस पर भी इस स्क्रब को अप्लाई किया जाता है। Today men are getting very conscious, beauty conscious, and they want good skin as well. So a lot of men also come in to get a coffee scrub. आज मैंने आपको बताया हमारे कॉफ़ी स्क्रब के बारे में। अगली बारी मैं फिर आऊँगी और आपको हमारे दूसरी थेरेपीज, हमारे दूसरे स्क्रब्स के बारे में बताऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग केयर वर्ल्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।